मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा लिया गया। अब अपने संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इन अधिकारों को याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है कि कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक कौन सा मौलिक अधिकार है, किस तरह से इसको याद करेंगे। तो सम को समानता का अधिकार, स्वा को स्वतंत्रता का अधिकार, सो को शोषण का विरुद्ध अधिकार, धा को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी से शिक्षा संबंधी अधिकार और से संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब इसको एक संख्या लिखते हैं इसके आगे, 4 3 1 3 1 2, यानी कि 431 312। अब इन सब को जो संख्या है इनको जोड़ देते हैं तो ये 14 आता है, इसका आंसर 14 आता है। तो ये जो 14 है वो यहाँ आगे लिखते हैं। तो अब इस 14 में ये जो 4 हैं इसको जोड़ लेते हैं तो इसका आंसर 18 आता है। तो 14 से लेकर 18 तक जो भी अनुच्छेद होते हैं वो समानता के अधिकार में आते हैं। अब 18 के आगे आते हैं 19। अब 19 में ये 3 जोड़ देते हैं तो 19 से लेकर 22 तक 3 जोड़ते हैं तो इसका आंसर 22 आता है। और 19 से लेकर 22 तक जो भी अनुच्छेद होते हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। 22 के आगे संख्या आती है 23। अब 23 में ये संख्या जो 1 है इसको जोड़ देते हैं तो 23, तो आंसर आता है 24। तो 23 से लेकर 24 तक जो भी अनुच्छेद होते हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में, दोनों अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध के अधिकार में आते हैं। और 24 के आते हैं आगे आता है 25। अब 25 में ये 3 जोड़ देते हैं तो 25 से लेकर 28 तक जो भी अनुच्छेद होते हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। अब 28 के आगे आता है 29। 29 में ये 1 जोड़ देते हैं तो 29 और 30 ये दोनों जो अनुच्छेद हैं वो शिक्षा संबंधी अधिकार में आते हैं। अब 30 में डायरेक्ट जो ये 2 हैं इसको जोड़ देते हैं तो आता है 32। तो 32वां जो अनुच्छेद है वो संवैधानिक उपचारों संबंधित अधिकार में आते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से इन अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं कि कौन से मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं।